नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी एंड नेट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट कमेटीज़ ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या फिर इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला था, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि कौन कौन से राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है। तो अभी हमारे 7 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, तो उसकी ट्रिक है टू बी मजाकर। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, टी फॉर तेलंगाना, यू फॉर यूपी, बी फॉर बिहार, एम फॉर महाराष्ट्र, जे फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ए फॉर आंध्र प्रदेश, के ए आर कर का मतलब कर्नाटक। तो दोस्तों, ये है तू भी मजा कर। इसमें आप सातों के साथ सातों के साथ जो भी हमारी विधान परिषद है उसको आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। दोस्तों, 1947 में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद से ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या लोकल गवर्नमेंट, लोकल जो ग्रामीण लेवल पर है, विकास की बात को सोचा गया था। और उसी के चलते 1952 में सबसे पहला डिसीजन लिया गया था, जो था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास जो आपका प्रोग्राम था 1952 में लॉन्च किया गया था। और इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, ग्रामीण लेवल को, मतलब ग्रामीण लेवल से पॉवर्टी का एलिवेशन करना और वहाँ पे लोकल लोगों में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना। इसी के चलते 1953 के अंदर नेशनल एक्सटेंशन स्कीम चलाई गई थी। नेशनल एक्सटेंशन स्कीम ये 1953 के अंदर चलाई गई थी, और इन दोनों की जांच करने के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन स्कीम की जांच करने के लिए 1957 में एक कमेटी बनाई जाती है, जो कि पंचायती राज के ऊपर पहली कमेटी थी, जिसे बोला जाता है बलवंत राय मेहता कमेटी। और 1957 में गठित की गई थी और 1958 के अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और जिसके आधार पर सबसे पहले भारत में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई थी। और सबसे पहला PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई थी राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 अक्टूबर 1959 में, और उसके 9 दिन बाद आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, बलवंत राय मेहता ने जो अपनी सिफारिशें दी थी, उसके अंदर इन्होंने 3-tier पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की वकालत की थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो ये रिकमेंडेशन जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने दी थी, इसे NDC ने स्वीकार किया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इसे स्वीकार किया था, और उसी के चलते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 के अंदर राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज संस्थान का इनॉग्रेशन किया था। दोस्तों, पंचायती राज के अंदर अगली जो कमेटी बनी थी, उसे बोला जाता है संथानम कमेटी। ये 1962 में बनी थी और 1963 में इसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, और इसने मुख्य तौर पर पंचायती राज में भ्रष्टाचार और प्रशासन में भ्रष्टाचार के ऊपर अपने सुझाव दिए, तथा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए इसने अपने सुझाव दिए थे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में अगली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी है, वो है अशोक मेहता कमेटी, और ये 1977 के अंदर बनी थी और 1978 के अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और ये 13 मेंबर कमेटी थी, इसके अंदर 13 सदस्य थे, इसको आपने नहीं भूलना है। और इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी, उन्होंने बोला था कि पुअर जो परफॉर्मेंस है PRIs की, उसको कैसे सुधारा जाए। एक्चुअली इसको बनाया ही इसलिए गया था कि जो PRI है वो अपनी पुअर परफॉर्मेंस क्यों दे रही है, ठीक है। तो इस कमेटी ने कुल मिला के 130 से ज़्यादा रिकमेंडेशन दी थी, और इनकी जो मुख्य रिकमेंडेशन थी 2-tier जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अपनाने की, 2-स्तरीय, अदर ने 3 दी थी, बलवंत राय मेहता ने भी 3-tier की बात की थी, लेकिन
अशोक मेहता समिति ने टू टायर की बात की थी, जिसमें पहला टायर स्तर होगा जिला परिषद और दूसरा होगा मंडल परिषद। मंडल परिषद निचले लेवल पे और जिला परिषद ऊपरले लेवल पर। और इन्होंने एक और रिकमेंडेशन दी थी कि जो न्याय पंचायत है, न्याय पंचायत को डेवलपमेंट पंचायत से अलग किया जाए। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण सुझाव और दिया था, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज विधानसभा के अंदर होना चाहिए, जो कि पंचायती राज संस्थान का प्रतिनिधित्व कर सके विधानसभा के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है 1977 में ये बनी थी और 78 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। लेकिन आपको पता है 1979 और 1980s के अंदर जनता दल की सरकार गिर गई थी, और सरकार के गिरने के कारण इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसको स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन भारतीय राज्यों में दो राज्यों ने, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल ने, इस समिति की रिकमेंडेशन को अपनाया और उसको लागू करने का प्रयास किया। अगली कमेटी इसके ऊपर बनी है जीवीके राव कमेटी। दोस्तों जीवीके राव कमेटी 1985 में बनी थी और इसे प्लानिंग कमीशन ने बनाया था। प्लानिंग कमीशन ने इसको अपॉइंट किया था। ठीक है, और ये जो मेनली बनी थी रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन के लिए ये बनी थी। ठीक है, इस बात को आपको नोट करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन के लिए बनी थी। और इन्होंने क्या सुझाव दिया, इनका जो मेन सुझाव है हमेशा पेपर में पूछा जाता है, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को लोकतंत्रीकरण के रास्ते में बाधा बताया कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन की वजह से लोकतंत्र आज खतरे में है, और उसकी वजह से आज का लोकतंत्र या पंचायती राज सिस्टम बिना घास की जड़ बिना जड़ की घास बन गई है। ऐसी घास बन गई जिसकी जड़ ही नहीं है, कभी भी हवा से उखड़ जाती है, कभी इधर कभी उधर। इनकी अगली रिकमेंडेशन थी कि जिला परिषद को प्राइमरी पावर दी जाए, जिला परिषद के पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी जाए, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट को सृजित किया जाए। ठीक है, और ही वुड बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद का चीफ कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। अगली और लास्ट इसके अंदर कमेटी है एलएम सिंघवी कमेटी, 1986 में बनी। और ये पहले भी, वैसे तो पहले भी बहुत सी कमेटियों ने ये बात की थी कि पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक होना चाहिए, संविधान के अंदर उसको दर्ज करना चाहिए। लेकिन इसने स्पेशल रिकमेंडेशन दी थी कि पंचायती राज संस्थान को हमें संविधान के अंदर डालकर एक नया चैप्टर सृजित करना चाहिए संविधान के अंदर। ठीक है, और इन्होंने ग्राम स्तर, ग्राम सभा की भी बात की कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लोकल लेवल पर या ग्राम सभा लेवल पर हमें बढ़ाना पड़ेगा। और इन्हीं की रिकमेंडेशन के कारण राजीव गांधी सरकार ने 64th अमेंडमेंट लाया था। अब दोस्तों आपको पता होगा 64th अमेंडमेंट 1989 में राजीव गांधी ने लाया था, लेकिन ये लैप्स हो गया था, क्योंकि आपको पता है 1989 में राजीव गांधी की सरकार का जो टर्म है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद री इलेक्शन होते हैं। तो वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट सरकार बनती है, जो कि 1947 के बाद पहली अल्पमत सरकार थी, और वहीं से गठबंधन का शुरुआत होता है। कॉलिशन गवर्नमेंट का शुरुआत 1989 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर शुरू होता है। ठीक है, और ये पहली माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, ये भी आपने नोट कर लेना है। उसके बाद 74th अमेंडमेंट बिल वीपी सिंह लाते हैं 1990 में, और वो भी लैप्स हो जाता है। दोस्तों अब आप सोचोगे 74th अमेंडमेंट तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड है, या म्यूनिसिपल जो आपकी सरकार उससे रिलेटेड है। बिल्कुल गलत है, मैं 74th अमेंडमेंट बिल की बात कर रहा हूँ, 74th अमेंडमेंट एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, 74th अमेंडमेंट बिल वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में लाया था, जो कि लैप्स कर गया था क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था। ठीक है, उसके बाद 72nd अमेंडमेंट बिल लाया जाता है, जो कि 1993 के अंदर 73rd अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है। 72
अमेंडमेंट बिल क्या बन जाता है, 73rd एक्ट बन जाता है, और इसे 10 सितंबर 1991 में लोकसभा द्वारा पास किया जाता है और उसके बाद राज्यसभा द्वारा, और 17 स्टेट ने भी इसको अपनी रिकॉग्निशन दी थी। दोस्तों आपको पता होगा जो इस टाइप के बिल होते हैं जो सेंटर स्टेट रिलेशन को पूरी तरीके से इफेक्ट करते हैं, उसके लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है आपकी लोकसभा के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, और उसको कम से कम 50% से ज़्यादा राज्यों की सहमति प्राप्त करना जरूरी होती है, ठीक है। और 24 अप्रैल 1993 को ये जो अमेंडमेंट है प्रभाव में आया, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। दोस्तों इस अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया अध्याय जोड़ा गया, चैप्टर 9, ठीक है, चैप्टर 9 नया अध्याय इसके अंदर जोड़ा गया। और उसके बाद जो 74th अमेंडमेंट बिल, अब जो ये 74th अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट है आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, जो आपका शहरी स्थानीय शासन से रिलेटेड है, वो भी उसके बाद एग्जिस्टेंस में आया और उसको रखा गया है भाग 9A के अंदर। दोस्तों पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर ये वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा की बन सकती थी, लेकिन मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपके लिए इसको बनाया है ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सके और अपने पेपर में अच्छा कर सके। दूसरी जो कमेटी है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, चुनाव सुधार के ऊपर बनी है या फिर प्रशासनिक सुधार के ऊपर बनी है, उसकी भी मैं वीडियो जल्दी ही आपके बीच लाऊंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।